गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं लै के केंद्र सरकार दे द्वारा कीता गया वड्डा फैसला। हुण एक साल तक पंजाब सने किसी भी सूबे दे विच नहीं होएगी लॉरेंस बिश्नोई की पेशी। सत श्री अकाल, टीवी एन आर आई देख रहे हो तुसीं ते मैं हाजी। दस्सी कि गायक सिद्धू मूसेवाला दे कतल कांड दे विच मास्टर माइंड अते खुंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं लैके वड्डी खबर सामने आ रही है। एक होर धारा जिहड़ी है केंद्र सरकार दे वल्लों लागू कर दी गई है। दस्सी कि लॉरेंस बिश्नोई दे नाल वड्डी जो जानकारी सामने आ रही है, हुण एक साल तक पंजाब सने किसी भी सूबे दे विच जिहड़ी है लॉरेंस बिश्नोई की पेशी नहीं होएगी। जेकर पेशी होंदी भी है तो वह ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही होएगी। तो यह पेशी जिहड़ी है अहमदाबाद की केंद्रीय जेल तो ही करवाई जाएगी। मामले नाल जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दस दिए कि गुजरात की अहमदाबाद जेल के स्थित इतने केंद्रीय जेल तो ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही हूँ एक साल तक लॉरेंस बिश्नोई की किसी भी मामले के पेशी होएगी। लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार के वल्लों लॉरेंस बिश्नोई के उत्ते CRPC की धारा 268 ला दी गई है। दस कि यह गल उदो सामने आई है जो लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर की अदालत नशा तस्करी के नाल संबंधित मामले के समन जारी किया गया। अजिहे पेशी संबंधी यह जानकारी जी है गुजरात जेल के द्वारा उन्होंने ईमेल के द्वारा दी गई है, जिस उन्होंने दसिया कि केंद्र के द्वारा हूँ लॉरेंस बिश्नोई के उत्ते CRPC की धारा 268 ला दी गई है, जिस तरह किसी भी मामले के पेशी जी है अगले एक साल तक लॉरेंस बिश्नोई की ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही ही होगी। तो भी अहमदाबाद की केंद्रीय जेल तो ही। दस दिए कि अमृतसर की अदालत ने NDPS के नाल संबंधित केसों के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पेश करने के लिए बठिंडा जेल के समन भेजे सन। बठिंडा जेल अथॉरिटी के वालों ये समन जोड़े ने अहमदाबाद जेल अथॉरिटी को ईमेल किए जाते हैं, जिस तो बाद 6 नवंबर को अहमदाबाद जेल तो जोड़ा है अमृतसर की अदालत के जवाब भेजा जाता है। तो दसिया जाता है कि हूँ जोड़ा है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले के CRPC 268 ला दी है। लॉरेंस बिश्नोई की अगले एक साल तक अपने ट्रायल के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही सामना करना पेगा, निजी पेशी के लिए अदालत के नहीं आना पेगा। दस कि 3 महीने पहला ही 23 अगस्त को लॉरेंस बिश्नोई को केंद्रीय जेल बठिंडा तो गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान जहाज के राही गुजरात उसनों भेजा गया और उसके खिलाफ नशा तस्करी के कई मामले जड़े ने इस मामले के सामने आते हैं। इस दे नाल ही दस दिए कि जो सूबा और केंद्र सरकार किसी भी मामले के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 268 की वरतों कर दी है तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। एक तो वह व्यक्ति जेल के उसके घिनौने अपराधा की जी है उसका दोष लगे हुए हैं, जो वह बाहर आता तो भीड़ उसके उत्ते हमला कर सकती है। दूजा वह व्यक्ति जो जेल तो बाहर आता जनतक शांति भी भंग कर सकता है। तो इसके अलावा सूबा सरकार को यह दर्शाना भी होंगे कि जेकर जेल के बंद व्यक्ति अदालत के पहुंचने तो पहला ही अगवा कर लिया जाता तो उसकी जी जिम्मेवारी है किसकी हो सकती है। दस कि सूबा सरकार जेल के बंद व्यक्ति अदालत के पेश होने तो रोक सकती है, जिसके कारण जनतक शांति या जनतक व्यवस्था भंग होने की भी संभावना है। तो अजिहे के चलद केंद्र के वलों लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लैके नाल दी नाल जनतक सुरक्षा को लैके वड्डा फैसला लिया गया। हुण लॉरेंस बिश्नोई की अगले एक साल तक किसी भी मामले के किसी भी समन को लैके जी है उसनों आप जरा पेशी के लिए नहीं उत्थे पहुँचना पेगा। गुजरात की जी अहमदाबाद केंद्रीय जेल है उतों ही ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही हूँ एक साल तक केसों की पेशी होने वाली है।